सन 1203 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। उस समय दिल्ली सल्तनत अपने पूरे चरम पर थी। दिल्ली और बंगाल के बीच की दूरी की वजह से बंगाल में सुल्तानों का राज्य अंदरूनी संकटों से घिरा रहा। किसी भी सुल्तान के लिए दिल्ली में अपना वर्चस्व बनाए रखना आसान नहीं था। बंगाल में सुल्तानों के सबसे पहले सिक्के सन 1203 में आरंभ हुए। ये सिक्के सोने के बने थे। इन सिक्कों का वजन 2.30 ग्राम और व्यास 17 मिलीमीटर का था और साथ ही उस पर देवनागरी लिपि का उपयोग किया गया था। उसके अग्रभाग में एक घुड़सवार चित्रित था जिसके हाथ में खंजर था। पृष्ठभाग पर बनने के वर्ष को अंकित किया गया था। साथ ही तीन पंक्तियों में श्रीमा हा मीरा महामा और द समाह अंकित था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कई सुल्तानों ने बंगाल पर अपना राज्य बनाए रखने का प्रयत्न किया, परंतु बंगाल के कई नवाब अपने आप को राजा घोषित कर देते, जिससे विद्रोह शुरू हो जाता। इन विद्रोह के बीच में कई सुल्तानों ने अपने सिक्कों को चलाने का प्रयत्न किया। ये सिक्के चांदी के बने होते थे और उनका मूल्य टंका में मापा जाता था। इन सिक्कों का वजन 10 ग्राम का होता था और व्यास 28 मिलीमीटर का होता था। दिल्ली में बनने वाले सिक्कों की शैली की तरह ही अग्रभाग में सुल्तान का नाम अंकित किया जाता था और पृष्ठभाग में सिक्के के बनाने का वर्ष और टकसाल का नाम अंकित किया जाता था। लंबे समय तक इन सिक्कों का ढलन आज के भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित लखनौती की टकसाल में हुआ और उनमें किसी तरह के बदलाव भी नहीं आए। सन 1342 में शमसुद्दीन इलियास शाह बंगाल के लखनौती के सुल्तान बने और उन्होंने 1342 से 1352 तक बंगाल के महत्वपूर्ण राज्यों पर विजय प्राप्त कर बंगाल को संगठित किया। 1352 में शमसुद्दीन स्वतंत्र बंगाल के सुल्तान बने, जो दिल्ली के अधीन नहीं था। शमसुद्दीन के बाद बने सुल्तान उनके बेटे सिकंदर बिन इलियास ने 1357 से बदले हुए सिक्कों का चलन आरंभ किया, जो पूरी तरह बंगाल की सल्तनत की झलक प्रदान करता था। ये सिक्के चांदी के बनाए जाते थे। अग्रभाग में शाह सिकंदर इब्न इलियास शाह अल सुल्तान अंकित था तो पृष्ठभाग में टकसाल का नाम लिखा जाता था। जो सिक्के सिकंदर बिन इलियास के समय में मिले हैं, उन पर कई तरह के निशान पाए जाते थे, जो ये दर्शाता है कि सिक्कों पर कई तरह के प्रयोग किए जाते थे। ये प्रयोग सिक्कों की असलियत का पता लगाने के लिए किया जाता था। ये प्रमाण दर्शाते हैं कि नकली सिक्के उस समय बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। सन 1389 में गियात अल दीन आजम बंगाल के सुल्तान बने। गियात को बंगाल के सफल सुल्तानों में माना जाता है। उन्होंने सेना का सबसे कम प्रयोग किया और दूसरे राज्यों के साथ संबंध बढ़ाए। उन्होंने चीन से लेकर मद्रास के राज्यों को उपहार और कई तरह के प्रस्ताव भेजे। इस आर्थिक नीति का असर उनके समय के सिक्कों पर भी देखा जा सकता है। उनके समय के सिक्कों को बंगाल में बने सबसे सुंदर सिक्कों में माना जाता है। सिक्कों को चांदी से बनाया जाता था और पहले के सिक्कों की तुलना में वो पतले थे और उनका व्यास भी बड़ा था। इन सिक्कों का वजन 10.73 ग्राम था और व्यास 30 मिलीमीटर था, जो अब तक बने सिक्कों से बड़ा था। सुंदर सीमा के अंदर गियात का नाम लिखा था और पृष्ठभाग में सिक्के की टकसाल का नाम लिखा था, जो फिरोजाबाद था। इन नई शैली के बने सिक्के पर सुंदरता पर ज्यादा ध्यान दिया गया था और बाकी सब पुराने सिक्कों की तरह था। गियात अल दीन आजम की मृत्यु 1410 में हुई और उनके बेटे सैफुद्दीन हमजा शाह को राजा बनाया गया, परंतु दो ही वर्ष में उनके बेटे ने दीनापुर के राजा गणेश के कहने पर हमजा की हत्या कर दी। यहीं से इलियास वंश के पतन की शुरुआत हुई। आने वाले सारे राजाओं की राजा गणेश ने हत्या करवा दी और राजा गणेश बंगाल के सुल्तान बन गए। 1418 में गणेश के बेटे ने अपना धर्म परिवर्तन कर जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का नाम ले लिया और बंगाल के नए सुल्तान बने। उनके समय के सिक्के उतने सुंदर नहीं थे, परंतु अब सिक्कों को सुनार गांव की टकसाल में बनाया जाने लगा। इन सिक्कों को ज्यादा नहीं चलाया गया। जलालुद्दीन के राज में ही सिक्कों में बड़ा बदलाव आया। सबसे बड़ा बदलाव था अग्रभाग में सुंदर सिंह का चित्र। ये बदलाव चीन से आए राजदूत के सम्मान में किया गया था। पृष्ठभाग में सुल्तान का नाम अंकित था। इस प्रकार के सिक्के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए उदाहरण बन गए। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद उनके बेटे शमसुद्दीन अहमद शाह राजा बने। उनका राज्य हमेशा लड़ाइयों से घिरा रहा और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति बंगाल में इलियास वंश का राज्य पुनः स्थापित करने पर केंद्रित की। उनके बाद कई राजाओं ने इलियास वंश के चले आ रहे सिक्कों की शैली को चलाया, जिस पर पहले के कई सिक्कों की तरह अग्रभाग में राजा का नाम और पृष्ठभाग में सिक्के के बनाने की तारीख और जगह अंकित थी। 1532 में गियात अल दीन महमूद के सुल्तान बनने पर सिक्कों में बदलाव आया। गियात अल दीन महमूद हुसैन वंश से आते थे, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन हुसैन शाह ने की थी। उन्होंने अब चौथाई टंका के सिक्कों का चलन आरंभ किया, जो चांदी के ही बनते थे।
उनका वजन 2.47 ग्राम था और व्यास 16 मिलीमीटर था। इनमें मध्य भाग में एक गोलाकार के बीच में बद्रशाही अंकित था। गोलाकार के बाहर पुराने सिक्कों की तरह उन पर राजा का नाम और टकसाल का नाम अंकित था। 1532 में बंगाल फिर से एक बार दिल्ली राज्य के अधीन आ गया। उस समय दिल्ली में शेरशाह का राज था। सूरी राजवंश ने 1555 तक बंगाल पर राज किया। इस समय मुगल शैली के सिक्कों का चलन आरंभ हुआ। ये सिक्के दिल्ली के बादशाह के नाम से बनते थे, परंतु बंगाल में बने इन सिक्कों का कोई सशक्त प्रमाण नहीं मिलता। सन 1555 में दिल्ली के बादशाह इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद उस समय के नवाब मोहम्मद खान सूर ने अपने आप को बंगाल का राजा घोषित कर दिया। जल्दी ही मोहम्मद सूर को गयातुद्दीन शाह बहादुर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब टंका के बदले चांदी रुपए का चलन आरंभ हुआ था। इन रुपए के सिक्कों पर एक चौकोर के अंदर गियात का नाम था और साथ ही देवनागरी में श्री बहादुर शाह भी अंकित था। ये सिक्के पहले के सिक्कों से भारी थे। आगे चलकर रुपए पूरे बंगाल में चला, जो गयासुद्दीन बहादुर शाह से लेकर आगे आने वाले बंगाल के राजा कर्रानी ने कायम रखा। सिक्कों के बनने की शैली में भी किसी तरह के बदलाव नहीं देखे गए। इन सिक्कों को लखनौती और सतगांव में ही बनाया जाता था। बायजिद खान कर्रानी बंगाल के अंतिम सुल्तान माने जाते हैं, जिनके बाद मुगलों ने पूरी तरह बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया। अब बंगाल में मुगल सिक्कों का चलन आरंभ हुआ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।